देखिए मेरे पास सैमसंग कंपनी 1200 वही मॉडल मोबाइल है, ये ऑन नहीं हो रहा है। देखिए पावर बटन प्रेस करने से ऑन नहीं हो रहा है। अब हम पहला इसको बैटरी कहता है कि चार्जिंग इसमें चेक करेंगे, बाद में मोबाइल का तो शॉर्ट हुआ है क्या कि चेक करेंगे, इसलिए हम मीटर को डीसी 20 रेंज पर रखना है, रख के बाद में बैटरी को चेक करना है। फेस पॉइंट को रेड प्रोब रखना है, न्यूट्रल पॉइंट को ब्लैक प्रोब रखकर चेक करना है। देखिए 3.7 तकरीबन हमारा 2 सप्लाई है, इसमें बैटरी बराबर है। अब मोबाइल का शॉर्ट हुआ है चेक करेंगे, वो चेक करने के लिए हम मीटर को बजट रेंज में रखना है। ओके देखिए मीटर को बजट रेंज में रख के बाद में रेड प्रोब को ग्राउंड पर लगाना है, ये ब्लैक प्रोब से हमारा फेस पॉइंट पर लगा चेक करना है। 390 तक रीडिंग दिखा रहा है, 396 390 तक, उसके लिए हमारे को मोबाइल भी शार्ट नहीं है। अब हम बैटरी लगाकर चार्ज लगाकर चेक करेंगे। चार्जिंग कंडीशन दिखाता है कि नहीं है कि ओके देखिए हमारे को चार्ज होना दिखा रहा है और ऑन करके देखेंगे। ओके मोबाइल भी ऑन होता है चार्जिंग लगाकर ऑन करने से। देखिए इसमें चार्जिंग लगाकर ऑन कर रहे तो ऑन हो गया है हमारा मोबाइल, भी चार्ज रिमूव करके देखेंगे। देखिए चार्जिंग रिमूव करने से मोबाइल ऑफ हो गया है। मेन चार्जर लगा के ऑन करते मोबाइल ऑन होता है, चार्ज रिमूव करने से ऑफ हो जाता है। एज अ फॉल्ट हमारे को मेन चार्जिंग ऐसी साइड में छोटे रजिस्टर रहते हैं फीडबैक रजिस्टर्स, वो रजिस्टर ओपन होने से हमारे को ऐसा फॉल्ट आता है। अब ये ओपन करके करेंगे हम। अब देखिए ये हमारा चार्जिंग ऐसी ये है, नजुक से बताता मैं। अब देखिए हमारा चार्जिंग ऐसी ये है, हमारा चार्जिंग साइड ये छोटे रजिस्टर 3 है। देखिए उसमें 3 रजिस्टर में ये साइड लास्ट वाला ओपन होने से हमारे को ऐसा फॉल्ट आता है। अब हम ये रजिस्टर बराबर है कि नहीं चेक करेंगे, बाद में इसको जम्पर करेंगे। वो हम चेक करने के लिए हम मीटर को बजट रेंज में रखना है। मीटर को बजट रेंज में रख के बाद में रेड प्रोब को ग्राउंड पर लगाना है, लगाकर इधर साइड से हम लगाकर चेक करना है। देखिए हमारे को रीडिंग दो साइड भी बराबर से दिखा रहा है। ओके ये थोड़ा वाटर डैमेज होने से हमारे को ये रजिस्टर ओपन हो गया है, इसलिए हमारे इसमें कनेक्ट नहीं हुआ है रजिस्टर बोर्ड से, इसलिए हमारे को मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। अब देखिए
अबे हम फिर बराबर से सोल्डरिंग करेंगे, करके बाद में चेक करेंगे। अब देखिए मैं ये लगा दिया है, फिर इसको री सोल्डरिंग कर दिया है बराबर से, एक बार फिर मोबाइल ऑन करके चेक करेंगे। ओके देखिए मोबाइल ऑन हो गया है। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे को चार्जिंग भी दिखा रहा है इसमें। हम मेन से फॉल्ट आई जब ये बराबर से एक बार सोल्डर करके देखना है, बाद में ये रिमूव करके जंपर भी कर सकते हो, जंपर करके तो भी हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसा नया वीडियो पूरा मैं तुम्हारे के लिए लेकर आने वाला हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।